हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए हम कृष्ण जी के लिए नए डिजाइन में पोशाक बनाएंगे और बनाना बताएंगे आपको। तो उसके लिए हमने दो कलर में ऊन ले लिया है। आपको जो भी कलर पसंद आए वो कलर आप यूज कर सकते हैं, ले लेंगे। और क्रोसिए वाला ही हमारा ऊन है। क्रोसिए वाला ऊन से थोड़ा हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है, डिजाइन खुल के दिखता है। तो ये हमारा सिंगल लरी है, इसको हमने इसीलिए दो लिया है। अगर आप चाहें तो इसको डबल करके एक में ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम किसी भी कलर से पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस तरह से इसमें पहले एक लूप बनाना है। इस तरह से हम एक लूप बनाएंगे। लूप बना के इसमें 15 चैन पहले बनाएंगे हम। 1, 2, इस तरह से 15 मैं बना लेती हूँ। पहले 15 चैन हमने इसमें बना लिया है और 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे इसमें। इस तरह से 2 चैन बनाने के बाद में ये एक तो हमारा हुक में, इसके बाद ये छोड़ करके ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 1, 2 छोड़ करके हम तीसरे में ये इसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पर 5 बार पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया हमने, ये 2 बनाया और ये हमने 3 बनाया और ये हमने 4 बनाया। ये देखिए पहला वाला 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 कंप्लीट है। अब इसके आगे वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये नेक्स्ट में हम डालेंगे और डाल करके इस तरह से ये तीनों फंदे को एक साथ ही हम निकाल लेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे और डाल करके एक साथ ही तीनों को हम निकाल लेंगे और फिर डालेंगे। 5 बार इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए 1, 2, 3 बार किया हमने, फिर 1 बार और हम बनाएंगे इस तरह से। ये 4 बार हो गया और ये हमारा 5 बार ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5। 5 बन के ये हमारा कंप्लीट है। ये इस तरह से हमारी पट्टी जाएगी। और जब इधर के साइड आएंगे तो इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में यहाँ पर हम एक ही चैन बनाएंगे। अब बनाने के बाद में इसी पैटर्न को हमें फिर से रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। अब इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 ये 4 और ये हमारा लास्ट है 5। इस तरह से 5 हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया। अब सॉरी, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब ये 5 में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो करके फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट में बताऊंगी। ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम टर्न हो जाएंगे इस साइड। होने के बाद में यहाँ पर 2 चैन बना लेंगे। 1, 2। 2 बनाने के बाद में हमें, जैसे कि हमने इसमें बनाया एक लाइन आपको बना के बताया है, वैसे ही यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 बार ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक लाइन और मैं बना के कंप्लीट कर लूँगी और फिर नेक्स्ट में आपको बताऊँगी।
हमने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना लिया है। ये देखिए हमारा जब बनेगा तो गोल घूमते हुए सर्कल इस तरह से हमारा सेब इसका हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब बनने के बाद में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम इसको कट लगा लेंगे। हमने इसको इस तरह से बना करके कट करके कंप्लीट कर दिया है। अब जब इसको बनाएंगे तो यहाँ इसके ऊपर जब रस्सी बांधेंगे तो इस तरह से ये फिटिंग हो जाएगी। और थोड़ा सा भी धोएंगे तो हमारा ये कपड़ा खुल के इस तरह से आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी सेटिंग यहाँ से यहाँ तक देख लेना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पिंक वाले से लेकर के इस पिंक वाले तक हमें फंदा उठाना है। तो इस तरह से हम इसमें पहले फंदा उठाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम अभी बनाएंगे। ये ऊन हमारा डबल है और काफी घना बनता भी है बनाने पर। और ये पिंक वाले तक हमने बोला था। एक और हम यहाँ पर ये पिंक वाला जो हमारा लास्ट है यहाँ तक हम उठाएंगे। अब यहाँ पर हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में इस तरह से हम दो चैन बना लेंगे और ठीक इसके ऊपर हम लंबा पट्टी बनाते जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से हमें थोड़ी सी पट्टी बनानी है। तो मैं चलिए बना लेती हूँ। बना करके थोड़ा सा बनाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूँ आपको। एक ही हमारा लास्ट वाला जो था। ये यहाँ से था, फिर इसको हम टर्न हो जाएंगे इस तरह से। और टर्न होने के बाद में दो चैन बना लेंगे। और चैन बनाने के बाद में इसको पीछे के साइड से फिर हम लेके इस तरह से इसी में एडजस्ट कर देंगे इस धागे को। इस तरह से हम पट्टी बनाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, बनाने के बाद में आपको बताऊंगी। मैंने इसको यहाँ तक बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 9 रो बन के कम्प्लीट है। अब इसको हमें क्या करना है कि इस तरह से इसमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कट लगा के सुई धागे से भी इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्रोशिए से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो जब इसको इधर इस तरह से हमें जोड़ना है तो इसको इस तरह से हम उल्टा कर देंगे, इस तरह से उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद में इसको इस तरह से हमें लेना है। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हमें इसको यहाँ से जोड़ना है। ये इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे।
अपना अपना सबका जोड़ने का तरीका होता है कि कौन कैसे जोड़ता है, तो इस तरह से हम आपको जोड़ना बता रहे हैं। बहुत ईजी तरीका है जोड़ने में फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जोड़ेंगे तब। और यहाँ पर हमने इसको लास्ट में इस तरह से करके इसको हम कट लगा देंगे। यहाँ पे हम इसको कट लगा के आपको ये देखिए हमारा इस तरह से ये जुड़ गया है। इसको हम बाद में अंदर के साइड खींच के इसको हाइड कर लेंगे धागे को। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरी वाली पट्टी हमें बनानी है तो उसको हम आसमानी रंग से बनाएंगे। दूसरी वाली जब पट्टी बनाएंगे तो पहले हमें इसमें, अब जब दूसरे साइड का फंदा हमें उठाना है तो इस कलर के धागे से हम उठाएंगे, तो इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से। और सात उसमें हमने उठाया है तो सात इसमें भी हम उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से इस फंदे को हम उठा रहे हैं। ये कितना हमने उठाया, एक दो तीन चार, तीन और हम उठाएंगे इसमें। ये देखिए हमारा सात फंदा हो गया है, एक दो तीन चार पाँच छः और ये एक स्टार्टिंग वाला लेकर के सात। अब हमें सब पे डबल क्रोशिया बनाना है, तो पहले एक चैन हम बना लेंगे। जैसे हमने इस पट्टी को तैयार किया था सेम उसी तरह उस पट्टी को भी हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं, करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आगे इसमें हमें क्या करना है। इसी तरह से इसकी हम बुनाई करेंगे। पहले इसको भी हमने इस पट्टी को इस तरह से बना करके तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको जो हमने सिलाई कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो इस पट्टी को ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हम आपको बता रहे हैं और इसमें शो भी कर रहे हैं, इसको इसके ऊपर से इस तरह से आप इसको चढ़ा के इसमें, जैसे कि इसको हमने सिलाई करने को बताया है इस तरह से, यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से सिल सकते हैं। इस तरह से जब सिल देंगे तो ये इस तरह की लुक आएगी। और अगर आप चाहें तो इस पट्टी को अंदर की साइड से भी आप डाल करके इस तरह से भी इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो इस तरह से भी ये आपकी पट्टी बन के इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह से भी आप चाहेंगे इसको सिलना तो उस तरह से सिल सकते हैं। ये नहीं है कि नीचे से इसको कर देंगे या ऊपर से कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग या कोई भी डिजाइन आपकी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे भी चाहें, तो हम चलिए ऊपर से ही आपको सिल के दिखा देंगे। तो जैसे हमने इसको सिलाई किया है
स्टिच किया क्रोसिए से, उसी तरह से यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो करके फिर मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। हमने इसको सिलाई करके रेडी कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा पीछे का भी लुक बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हमें क्या करना है इसमें कि इसको अच्छे से आगे की फिनिशिंग देखते हुए आप यहाँ पर एक शो के लिए बटन लगा देंगे। इस तरह से इसकी सेटिंग पहले देख लेनी है, नहीं तो हमें पहनाने के बाद में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इस तरह से बैठा करके इसको बीच में एक बटन यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं अटैच कर लेती हूँ। और साथ में आप अगर कोई लैस वगैरह इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो लैस भी लगा सकते हैं। अगर लैस नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी ये कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अगर लैस लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको किनारी किनारी इस पर लगा करके इसको इस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इतना काम कर लेती हूँ, करने के बाद में फिर आपको रेडी करके दिखाऊंगी। हमने इस तरह से इस पर ये वो लैस लगा दिया है जो कि आपको दिखाया था और बताया था। अभी थोड़ा सा हॉट ग्लू यहाँ पे दिख रहा है, इस जब सूख जाएगा तो इसको हटा देंगे। अभी तुरंत हमने लगाया है। और ये देखिए पीछे से भी इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है, ये देख सकते हैं। पहनाने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और जब धोएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा खुलेगा तो ये हमारा यहाँ तक बराबर आ जाएगा। इसकी बिनाई बहुत ही टाइट होती है और बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ का भी लुक बहुत सुंदर आ गया। और साथ में हमने टोपी के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है पट्टी, ये हमारी एक सीधी पट्टी है। इसमें हमने 30 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है और एक लाइन हमने ये पिंक से बनाया हुआ है और दो लाइन हमने ये आसमानी रंग से बनाया हुआ है। अब इसको इस तरह से हम इसको पहले करने के बाद में इसको पीछे के साइड से हम दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से हम इसको सिलेंगे। सिलने के बाद में इस तरह से आगे की हमारी लुक आ जाएगी। और यहाँ पर एक हम शो के लिए कोई बटन वगैरह लगा देंगे। तो मैं रेडी करके इसको दिखा रही हूँ। इस तरह से कैप को हमने बना करके कंप्लीट कर दिया है। और हमारा ये कैप भी ये देखिए बहुत सुंदर प्यारा सा हमारा बनके रेडी है। तो ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी में आ जाएगा। 3 नंबर में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 3 नंबर में थोड़ा सा बड़ा आएगा। लेकिन 4 नंबर के लड्डू गोपाल में बहुत ही सुंदर और परफेक्ट ये आपकी पोशाक आएगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर इसी तरह नए वीडियो लेकर के आपके साथ में। थैंक यू।